राइट तो गाइस, लुक्स लाइक जिस माइंड के बारे में वो लड़की बता रही थी, हम लोग वहाँ तक आ गए हैं। मेरे प्यारे ट्रेन, डोंट वरी, मैं बस अभी आया। ट्रेन बोला, अभी जाओ, कभी बता वापस। नहीं, ऐसे नहीं बोला वो। वो बोला बॉब जल्दी आना, तुम्हारी याद आएगी। गेम लैग कर रहा है लगता है, यहाँ पर वो मास्क वाले है। अरे डरती है क्या? अब तो चार्ल्स की चड्डी पे बम लगा के भाग जाने जितनी हिम्मत आ गई मेरे पे। ऐसा है क्या? वैसे भी चार्ल्स चड्डी पहनता है क्या? पहनते ही होगा, अगर नहीं पहनते तो कोई नहीं, चड्डी पहना के बम फिट करके फिर उड़ा देंगे। क्या बात है, आज से बॉब का नया नाम है बॉब द चेरी मैन। नहीं, और ये क्या? माइनक्राफ्ट नहीं है, बट हाँ वैसे ही लग रहा है। आगे जाओ यार, फुट छुएगी बॉब तुम्हारी माइंड के अंदर जाने में। नहीं, ना कोई ले, मेरी नहीं फटती। यहाँ पर नोट है, देखती है, बहुत बड़ा है, कौन पढ़ेगा इसे, बाहर में जाओ। बॉब तो धीरे धीरे एक ट्रू गेमर बनते जा रहा है। ट्रू गेमर तो रीड करती है, बट एक लेजेंडरी ट्रू गेमर कुछ रीड नहीं करता और तब भी बॉस को डिफीट कर देता है। क्या बात है, मेरे को नहीं पता था कि मैं एक ट्रू लेजेंडरी गेमर हूँ। और ये देखो टेस्ट मिल गया, क्या होगा इसके अंदर। 3, 2, 1 खुल जा सिम सिम। ग्रीन पेन न्यूक्लियस ये गेम ना बड़ा मस्त स्कैम करता है। मतलब इतना रिस्क लेने के बाद हम लोग को एक पेंट का डब्बा मिला। अभी पूरा केव थोड़ी छान मारा, एक भी तो है। हाँ एक भी है, बट स्टिल पेंट के लिए इतनी मेहनत नहीं होनी चाहिए गाइस। ये तो स्क्रैप निकला, मेरे को लगा कुछ कमाल की चीज थी। ओ एलियो, स्क्रैप कमाल की चीज ही तो है, अपग्रेड करने में मदद करता है मेरे भाई। इसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब हमें अपग्रेड करना होगा, बट स्क्रैप नहीं होंगे। वहाँ पे लाइट तो लगी है, रेड लाइट। माय गॉडज़िला, क्या एरिया है ये, देख नदी पाद रही है। इतना अच्छा मूड था, पाद बोल दिया तूने। अब जो चीज हो रहा है, मैंने वही तो बोला, कुछ गलत थोड़ी बोला। किसी पता वो सुपर हीरो सीरो वो जाके पी ले, पावर्स आ जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं, रिस्क नहीं लेने का, अगर गलती से भी गंदा पानी होगा तो मुंह का पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। न्यूक्लियस ही तो धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहे हैं, सीटियों की आवाज क्यों आ रही है? मेरे को लग रही है वही मास्क वाले तो नहीं है, कहां पर है? अभी पीछे क्या देख रहे हैं, जल्दी भागना यहाँ से। अरे बाप रे, कितना खतरनाक शॉट मारा, प्लेयर ही आगे उड़ गया। बहुत बढ़िया बॉब, ऐसे ही भागो। इसमें इतने खतरनाक स्किल्स कब आए गाइस? क्या जिगल, क्या भाग रहा है? जब तुम मरने वाली होती हो, जो स्किल स्टूपिड है वो भी आ जाती है। इतनी तेज मत मार भाई, अभी तो पीछे पड़ा हुआ है। क्या डेडिकेशन है उस लौंडे की? रुको, भी उसके डेडिकेशन की बैंड बजाता हूँ। ये ले आका, मेरे बम पे तूने दो दो गोली मारी इतनी बुरी तरह से, अब आग खा तू। बॉब जाके उसकी गन ले लो। ये गन, वेयर इज द गन? क्या इस गेम में हम लोग गन कैरी नहीं कर सकते? नाइस स्कैम, इन लोगों ने तो हमारे से स्कैम 2023 कर दिया। अरे गन दो ना, अब उसके लिए चूचू चार्ल्स पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। न्यूक्लियस, आपको क्या लगता है कि चूचू चार्ल्स पार्ट 2 कब आएगा? और अगर आप लोग को ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो नीचे जाइए और लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और न्यूक्लियर ड्यूब करके नीचे कमेंट करिए। ये तो एलियन एग लग रहा है। मेरे को लगा था नॉर्मल एग होने वाला है, इसका तो अंडा फ्राई नहीं कर सकता मैं। जो भी बोलो न्यूक्लियस, अंडा तो बड़ा मस्त है, क्या ग्लो मार रहा है? क्या फायदा, खा नहीं सकते। बट यस, लुक गुड, वन ऑफ द 3 एग्स रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द टेम्पल। प्रोग्रेशन बोलते गाइस, 3 में से एक अंडा मिल गया, अब बारी है दूसरे अंडे को ढूंढने की। लेट्स गो। न्यूक्लियस, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, खुलने में दौड़ने लग गया, म्यूजिक चेंज हो गया, आई थिंक आई एम अबाउट टू डाई। मैंने तो इसको पहले ही वॉर्न करा था, अब देख तेरी और मेरे में बस यही डिफरेंस है। आई एम वेरी वेरी प्रोफेशनल। भाग, इसकी भैंस की चाल्स, ये भी पीछे से मार रहा है, सब पीछे से मार रहे हैं इस गेम में। किसी की हिम्मत ही नहीं है आगे से मारने की। अरे भाई, डराना तो लगता है गाइस, जो भी बोलो। जब अपन लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हॉरर नहीं एक्शन गेम लगता है। बट जब आप खुले में होती हो और चाल्स आ जाते हैं अचानक से, तब गाइस तब बाट लग जाती है। देखती कैसा है ये ट्रेन, तो कुछ ज्यादा खतरनाक अपग्रेड हो गई। रुक जा मेरे लिए, चार्ल्स आएगा तो वापस से फुंगी बजा देगा। बॉब नूब करके कमेंट में स्पैम कर दो गाइस, इन ऑनर ऑफ आवर फ्रेंड यूजीन। अब हमारा स्पीड 3 लेवल ली, 4 लेवल ऊपर रहेगा गाइस। अब तो लगता है मैंने गलती कर दी वो चीज बोल के, अब तो खोदेगा तो ट्रेन 10 किलोमीटर आगे चली जाएगा। ये जगह तो बहुत अच्छी है, ट्रेन स्टेशन। ओ भाई, ट्रेन स्टेशन बोल दे क्या, काफी सेफ जगह लग रही है मेरे को ये। ये देखो गाइस, वापस से कूद गया, अभी इसका सर फूट जाता। डरती है क्या, हमारे प्लेयर इतने स्ट्रांग है कि इसको कुछ भी नहीं हो सकता। आवाज बंद कर और एनपीसी के पास जा, नहीं तो वापस से चार्ल्स खुले में पीछे से आके तुम्हें खा जाएगा। उस चीज की मेरे को याद मत दिला, बहुत ही ज्यादा स्केरी था ये स्क्रैप, और वो लेटर भी था, बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ रहा, बाहर में जाओ। ये देखो एक और स्क्रैप, क्या बात है, आज का दिन तो बड़ा मस्त। ओ पेड़, पीछे जो एनपीसी बैठा था बेचारा, वो तो सोच रहा होगा भैंस की मेरी इज्जत ही नहीं है कोई। थोड़ी देर में बात करती है, अभी हमें इतना खतरनाक पेड़ मिला है, व्हाइट पेड़ बोलते हड्डी तोड़ते, देखते कैसा है।
ये तो बिल्कुल टट्टी है, व्हाइट लग रहा है। एक बार बाहर से दिखाइयो। हाँ सही बोला यार, काफी वीड है, इससे अच्छा तो येलो था। न्यूक्लियस आप लोग कमेंट करिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा लग रहा है हमारे ट्रेन पे। अभी के लिए पर्पल ले, येलो 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 डडी फेलो न्यूक्लियस फेलो, इस बार मैंने पहले बोला। वाओ जोक मारा, हंसना था क्या? हंसना प्लीज। थैंक यू। डैम ये तो वैम्पायर लग रहा है। Archivist museum person. जो भी बोलो इस गेम की वॉइस आर्टिस्ट काफी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी आवाज है। थोड़ा खर्च प्लेयर पे भी कर देते, गन चलाने का ऑप्शन दे देते। ओके तो न्यूक्लियस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो वैम्पायर है बहुत बकवास करता है। इन शॉर्ट हमें इसका स्पेशल ब्लू बॉक्स लाना पड़ेगा जो कि पासी के कैंप में है, और ये हमें बदले में देगा स्क्रैप। हमें अभी स्क्रैप की काफी जरूरत है, तो देखते हैं क्या होता है। Let's go. Bob, इस बार मिशन कंप्लीट करने से पहले देख लेना कि हमारे पास कितने स्क्रैप थे करके। सही बोला, और ये एरिया भी पास में ही है, अगर ये बंदा कम स्क्रैप देगा तो इसके मुंह पे हग दूंगा मैं। तू जानता है ना मुंह पे हगने का कोई ऑप्शन नहीं है इस गेम में। तू क्या गेम के अंदर घुस के हगूंगा, उससे पहले यहाँ से निकल जा, इतनी छोटी सी जगह पे अटक गया था ये। वीडियो में ये वाला पार्ट कट कर देना, बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो अब तो ये पार्ट पक्का जाएगा। ये जगह तो केव से भी ज्यादा डरावनी है, वहाँ पर एटलीस्ट चार्ल्स तो नहीं आ सकता था, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है, ऊपर से मास्क वाली भी हो सकती है बैस की। किसी पर तो स्लेंडरमैन पेनीवाइज वो सब भी आ जाए ब्रो। अभी एक चार्ल्स काफी है। वापस आ गई है इनकी बैस की पूछ, मेरे को मारती है शॉट गन, नहीं तो मैं मार देता वापस। अरे कितनी आवार हो गई मेरे पे। अभी बेवकूफ पीछे क्यों जा रहा है, बहुत बढ़िया ऐसी जाते रहे, जिगल पिक करती रहो और थोड़ा हेल्थ रिकवर होने दे। चूचू चार्ज बनाया है, पार्ट टू में गन नहीं डालोगे तो बैस की मैं खेलूंगा नहीं गेम। न्यूक्लियस इतनी बड़ी ओपन फील्ड को देख के मेरे को पबजी के मीरामार वाले दिन याद आ गए, और अभी भी पीछे है भाग। कितनी देर पीछे पड़े रहेगा, कोई काम धंधा नहीं है के इसको। अरे बोलो कि इसको घर जाने को, कहा है फिर आ रही हूँ ब्रो। मास्क वाले ने तो हमारे साथ स्कैम कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत इतनी दूर में दौड़ कर आया। वो देखो वहाँ पर है, आ जा चोमू, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू। कहाँ जा रहा है ये, क्यों हो रहा है, वो तो भाग के पीछे जा रहा है। आई एम बॉब जी ग्रेट, लगता है ये मेरे से डर गया, कितना बड़ा नूब है ये। देखो गाइस राम जी इसके पीछे पीछे जाती है और फिर इसकी पैंट खोल देती है। ये राम राम से मेरे को इससे डर नहीं लगता। इस बार ध्यान से जाइयो, लास्ट टाइम अचानक से पीछे मुड़ के डरा दिया था उसने। हॉरर गेम है ब्रो, सब कुछ अचानक से तो होगा। जो भी हो, इस बंदे ने स्क्रैप ब्लू डब्बा मिल गया, चलो चलती है। उसको उसका डब्बा देने से पहले मेरे को देखना है मेरे पे कितने स्क्रैप है, एक दो स्क्रैप देगा तो उसके मुंह पे रख दूंगा मैं। That's the exact box I needed. चलो तो गाइस द ग्रैंड रिवील, कितने स्क्रैप मिलने वाले हैं। मैप क्यों खोला, एक्साइटमेंट में गलत बटन दब गया। 56 इतने सारे स्क्रैप दिए इसने, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ले चुम्मी। अच्छा हुआ डब्बा देने से पहले चुम्मी नहीं दी, नहीं तो एक दो स्क्रैप भी नहीं देते। तब तो वो जो हमारे पास स्क्रैप थे ना वो भी ले लेता। जाने से पहले एक बार वापस से अपग्रेड कर लेते गाइस स्पीड को, लेवल 9 ओके, लेवल 10 ये मैक्स स्पीड। यूजीन के ऑनर में 3 लेवल का डिसाइड हुआ था, 5 करने के लिए किसने बोला तेरे को? डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो अभी वक्त ही बताएगा। एक बार वापस से टेस्ट कर लेते कि कितनी फास्ट चाहिए। ट्रेन अरे गलती हो गई, माफ कर दो, वापस आ जाओ चांस आ जाएगा। तेरी किस्मत तो अच्छी निकली, बच गया। हाँ सही बोला, अगर हुआ था तो हवा में उड़ा उड़ा के मारता वापस से।